लोग म्यूनिख में हैं और म्यूनिख के स्टूडेंट हॉस्टल्स टीबो में बैठे हुए हैं, और मेरे साथ हमारे बहुत अच्छे गेस्ट जो पाकिस्तान से आए हैं, जो म्यूनिख में लोग हैं वो तो इन्हें जानते ही हैं, अरसलान यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो अरसलान यूसुफ जो हैं ये पीएसए म्यूनिख के एडमिन रहे हैं, और जो म्यूनिख के लोग पता है आपसे काफ़ी वाकिफ़ हैं, लेकिन ये आज से कुछ साल पहले रहीम यार खान वापस गए, वहाँ की यूनिवर्सिटी में एसोसिएटेड हैं, कई प्रोजेक्ट्स भी उन्होंने शुरू किए, उसके वाले से इनसे जानेंगे। तो पहले तो आपको म्यूनिख में वेलकम। शुक्रिया जी। तो ये भी बताएं कि आपका चक्कर तो लगता रहता है, तो किस सिलसिले में भी आना होगा आपका, और पहले ये बताएं कि आपने यहाँ पे डिग्री कौन सी थी, आप क्या पढ़ के गए? मेरी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख से मास्टर्स था पावर इंजीनियरिंग में, 2013 में मैंने स्टार्ट किया, 2016 में पूरा हुआ, और कुछ मैं काम भी करता रहा यहाँ। तो उस वक्त पहले तो सोचा नहीं था कभी पाकिस्तान वापस जाना है, लेकिन बस फिर जब एक देखा कि आगे फ्यूचर में क्या है, यहाँ क्या हो सकता है, वहाँ क्या हो सकता है, पाकिस्तान चला गया, और यहाँ जॉब भी थी, कोई जॉब छोड़ के चला गया, और वहाँ अलहमदिल्ला भाई यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चर एंड लैब डायरेक्टर मैंने काम स्टार्ट किया, और ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है रहीम यार खान, तो वहाँ अलहमदिल्ला काम स्टार्ट किया, और मैंने तकरीबन टोटल कोई पिछले दो साल के टेन्योर में 200 मिलियन की 12 लैब्स बनाई हैं, जिसमें जो मोस्टली हमारी जो लैब है वो हॉक्सपन हाई वोल्टेज की लैब है। वेरी गुड। तकरीबन को 10 करोड़ रुपए की वो लैब बनाई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की फंडिंग, यानी खिदमत कर रहे हैं आप असल जी, यहाँ पे बैठे होते हैं किसी के पीछे तो शायद ये सब ना करने का। हाँ ये बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, आप सही कह रहे हैं। बहुत से दोस्त पूछते हैं कि आप यहाँ होते तो क्या होता, वहाँ हैं तो क्या है, मुझे खुशी है अलहमदिल्ला मेरी कुछ कंट्रीब्यूशन ना सिर्फ ख्वाजा फरीद में बल्कि मेरी 2-3 और यूनिवर्सिटीज़ में भी कंसल्टेंसी है, उनको हमने हेल्प किया है, उनकी फैकल्टी को ट्रेन किया है, उसमें हाईटेक यूनिवर्सिटी टेक्सला है, एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, कुछ और यूएस अभी भी मैं आया हुआ हूँ, यूएस एड का एक प्रोजेक्ट है जबरदस्त, उसमें मैं बाजल आया हुआ था हाई वोल्टेज टेस्टिंग, स्विट्जरलैंड आया था, वहाँ से फिर जो है ना वो मिलने के चक्कर में नहीं भाई, और जब भी आप आएँ तो म्यूनिख डेफिनेटली आएँ, क्योंकि जो यहाँ पे दोस्त हैं वो आप सब आपको देखना चाहते हैं, आपको मिस करते हैं, आपने काफ़ी एक्टिविटीज की, और वी आर प्राउड ऑफ यू, आप वापस गए और आप अच्छा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप बाकी भी बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन है, क्योंकि ये एक बड़ा स्टेप होता है, लोग बड़े घबराते हैं इस चीज़ से कि यार वापस जाएंगे तो क्या बनेगा, पता नहीं खाने को पीने को मिलेगा कि नहीं। वैसे मैं तो ये कहता हूँ कि पिछले गिनती में 2017 में वापस किया था, तो शायद अगर यहाँ होता तो शायद इतनी मेरी सक्सेस में आगे करियर में ना होता, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है, शायद मैं कहता हूँ बल्कि पैसा भी यहाँ से मैंने वहाँ ज़्यादा बनाया। अच्छा माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त मेरा काम है, तो जर्मनी चक्कर लगता रहता है, और भी हाई वोल्टेज के रिलेटेड जो है ना काम सेमिनार्स में इस तरह काम चलते रहता है। वेरी गुड। अच्छा मेरे तरफ से आपको कहूँ कि अगर समअप करें जो आजकल जो स्टूडेंट्स जो स्पेशली अभी नए आए हैं या डिग्रीज में जर्मनी में डिफरेंट शहरों में और डिग्रीज अभी कर रहे हैं या इन एक आध साल में ग्रेजुएट होने वाले हैं, उनको क्या मशवरा देंगे अपने फ्यूचर के हवाले से? मेरा मशवरा लाइफ के हवाले से, मेरा मशवरा तो ये होता है कि जो काम भी करना है ना उसका एनालिसिस किया जाए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते, डिसीजन मेकिंग पावर इतनी नहीं होती, तो हम देखते रहते हैं अच्छा ये क्या होगा वो क्या होगा। मैं कहता हूँ कि एक फंक्शन बनाया जाए, उस फंक्शन में तमाम पैरामीटर्स देखे जाएँ कि हाँ जी पैरामीटर्स हैं कौन से, सोशल इंटीग्रेशन है, हमारे इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, फैमिली रिलेशंस हैं, बला बला बला, उन फंक्शन में फिर कंस्ट्रेंट्स देखे जाएँ पाकिस्तान में क्या है यहाँ क्या है, उसके लिहाज से फिर डिसीजन लिया जाए, जो डिसीजन ले लिया जाए उसके बाद फिर कंपैरिजन ना किया जाए, फिर दिल लगा के उसमें काम किया जाए। आई रिमेंबर कि जब मैं पाकिस्तान गया तो मैंने फिर जाके ये कंपेयर नहीं किया कि मैं टोयोटा चला रहा हूँ, बीएमडब्ल्यू नहीं चला रहा, मैं ये नहीं कर रहा, मैं आरडी का दूध नहीं पी रहा हूँ, तो मैं ये नहीं पी रहा, जब पाकिस्तान चले गया तो फिर ख़त्म होगी बात, कोई मतलब नहीं था उसमें, कोई मतलब किसी किस्म का कोई कंपेरिजन नहीं था। तो फिर उसके बाद बंदा जो डायरेक्शन में जो विजन बनाए उसमें बेहतरीन तरीके से काम करे, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप मेहनत करें और उसका रिजल्ट। बहुत बहुत अच्छी सजेशन है कि हर किसी की अपनी सिचुएशन है, ये नहीं कह सकते कि ये डिसीजन अच्छा है या नहीं, लेकिन अपनी सिचुएशन के हिसाब से यू आर द बेस्ट पर्सन टू मेक योर डिसीजन। दोस्त अहबाब से मशवरा आप जरूर ले सकते हैं, लेकिन डिसीजन आपने करना है, और जैसा कि उन्होंने कहा डिसीजन करने के बाद उस डिसीजन पर फिर हमारे पास जरूर आते रहे, और शुक्रिया साबीज का भी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो हमारे सबकी दिलों की धड़कन है यहाँ पे और स्टीपो की जान है, तो आपका भी शुक्रिया, आपको भी बहुत शुक्रिया, आपको कामयाब करे हमें। हाँ वाले।